हेलो दोस्तों, मैं हूं ऋषिकेश और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स कॉप। और आज इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं आईपीएल 2022 के मुकाबले की, जो कि खेला जाएगा रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर वर्सेस सनराइजर्स हैदराबाद के बीच में मुंबई के ब्रैबॉर्न स्टेडियम के अंदर 23 अप्रैल को शाम के 7:30 बजे से। और इस मुकाबले का लाइव टेलीकास्ट होने वाला है स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के ऊपर। और अगर आप फैंटेसी क्रिकेट खेलते हो तो माई टीम 11 को यूज करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जो कि इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट फैंटेसी प्लेटफॉर्म है। और यहाँ पे आपको आईपीएल के सभी मुकाबलों के अंदर करोड़ों की कमाई करने का मौका मिलेगा। और अगर आप इनका लीडर बोर्ड ज्वाइन करते हो, आप 1 करोड़ से ज्यादा की एक्स्ट्रा इनकम कर सकते हो माय टीम 11 के ऊपर। और यहां पे आपको सेकंड इनिंग्स फैंटेसी और लाइव फैंटेसी ऐसे बहुत ही कमाल के फीचर भी देखने को मिल जाएंगे। वीरेंद्र सहवाग इस ऐप को प्रमोट करते हैं तो ना विड्रॉल में दिक्कत आएगी ना डिपॉजिट में दिक्कत आएगी। कस्टमर सपोर्ट भी काफी शानदार है और इनका गोल्डन टिकट बाय करने पे आपको मैसिव डिस्काउंट भी मिलने वाले हैं। और अगर आप इनका कैशबैक ऑफर यूज करोगे ना, आपको ऐसे कैशबैक ऑफर और कहीं भी नहीं मिलने वाले, तो किस बात का वेट कर रहे हो? डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, रेफर कोड यूज करो स्पोर्ट्स कॉप, इससे आपको 100 रुपए एकदम फ्री मिलने वाले हैं। तो डाउनलोड करो माई टीम 11 को और आईपीएल में कमाई करनी चालू कर दो। और फैंटेसी टीमों के लिए आप मेरे को ज्वाइन कर सकते हो टेलीग्राम पर, वहां पे आपको आईपीएल के सभी मुकाबलों की फैंटेसी टीमें मिलने वाली है। आपको बस सर्च करना है द स्पोर्ट्स कॉप और जल्दी से मेरे को टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लेना है। ब्रैबॉर्न स्टेडियम की जो पिच है ना, वो बल्लेबाजी करने के लिए काफी ज्यादा अच्छी है। इस मैदान पे हाई स्कोरिंग मुकाबले होते हैं। रात का मुकाबला ड्यू फैक्टर बीच में आएगा। दोनों टीमें इस मुकाबले के अंदर पहले गेंदबाजी करना चाहेंगी। सबसे पहले मैं बात करता हूँ रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बारे में, जो कि मे को लग रहा है इस साल ना किसी मिशन के ऊपर आई है। अपने 7 में से 5 मुकाबले जीत चुकी है और सबसे तगड़ी बात यह है कि ये टीम टारगेट को डिफेंड कर पा रही है। रात के मुकाबले में टॉस हारने के बाद भी जिस तरीके से इस टीम के गेंदबाजों का प्रदर्शन रहा है, वो बहुत ही शानदार बात है। हर्षल पटेल ने डेथ ओवर्स के अंदर बहुत ही तगड़ी गेंदबाजी करी है इस टीम के लिए। फैफ डुप्लेसी ने भी काफी तारीफ करी हर्षल की पिछले मुकाबले में। और जिस तरीके से जॉश हेजलवुड को स्विंग मिल रहा है ना, वो बहुत ही ज्यादा कमाल की बात है। हेजलवुड का इस तरीके से गेंदबाजी करना बहुत ही अच्छा प्रॉमिसिंग स्टेप होने वाला है इस आरसीबी की टीम के लिए। तो जरूर से हेजलवुड और हर्षल पटेल इस मुकाबले के अंदर भी अपने अच्छे प्रदर्शन को कंटिन्यू करना चाहेंगे। वनिंदु हसारंगा और मोहम्मद सिराज ने भी कुछ काफी अच्छे स्पेल डाले हैं। तो गेंदबाजी जो है ना इस टीम की, वो मेरे को काफी शानदार लग रही है। और टीम इस मुकाबले के अंदर भी वापस से अपने गेंदबाजों के ऊपर रिलाय करेगी। बल्लेबाजी के अंदर फाइनली फैफ डुप्लेसी फॉर्म में आ गए। काफी जल्दी विकेट गिर गए थे पिछले मुकाबले में, लेकिन जिस तरीके से डुप्लेसी ने पारी खेली वो बहुत ही कमाल थी। ग्लेन मैक्सवेल भी काफी अच्छे कैमियोस खेल रहे हैं। ग्लेन मैक्सवेल का इस तरीके से बल्लेबाजी करना बैंगलोर के लिए काफी शानदार बात होने वाली है। और दिनेश कार्तिक और शहबाज अहमद के बारे में तो कुछ कहने की जरूरत नहीं, इन दोनों बल्लेबाजों ने लगभग सभी मुकाबलों के अंदर काफी कमाल का प्रदर्शन किया। स्टार्टिंग के 4 विकेटर आउट हो जाएंगे ना इस टीम के, तो जो लोअर ऑर्डर है बैंगलोर का, वो काफी कमाल खेल सकता है। बस दिक्कत है विराट कोहली का फॉर्म। अगर विराट कोहली इस टीम के लिए फॉर्म में आ जाएंगे ना, तो बैंगलोर को रोकना और भी काफी मुश्किल काम होगा। तो बैंगलोर के पास एक बहुत ही सेटल्ड प्लेइंग 11 है, ये टीम कोई बदलाव करना नहीं चाहेगी, बहुत ही शानदार फॉर्म में लग रही है। तो बैंगलोर के लिए ओपन कर सकते हैं अनुज रावत और फैफ डुप्लेसी, नंबर 3 पे विराट कोहली, नंबर 4 पे ग्लेन मैक्सवेल, नंबर 5 पे सुयश प्रभु देसाई, नंबर 6 पे शहबाज अहमद, नंबर 7 पे दिनेश कार्तिक, फिर आपके आते हैं वनिंदु हसरंगा, हर्षल पटेल, जॉश हेजलवुड और मोहम्मद सिराज। जरूर से एक बढ़िया टीम है बैंगलोर के पास और टीम इस मुकाबले में जीतना चाहेगी। अब मैं आपसे बात करता हूं सनराइजर्स हैदराबाद के बारे में। तो हैदराबाद की टीम ने क्या कमाल की वापसी करी इस साल के टूर्नामेंट के अंदर। टीम स्टार्टिंग के 2 मुकाबले हारी और उसके बाद अब टीम लगातार अपने 4 मुकाबले जीत चुकी है। तो जिस तरीके से प्रदर्शन रहा है ना इस टीम का, ये टीम इस मुकाबले में अच्छा करना चाहेगी। इस टीम के सभी गेंदबाज फॉर्म में है। उमरान मलिक, भुवनेश्वर कुमार, टी नटराजन, इन सभी के सभी ने बहुत ही कमाल की गेंदबाजी करी इस टीम के लिए। डेथ ओवर की गेंदबाजी बहुत स्ट्रांग हो चुकी है इस टीम की। और स्टार्टिंग के ओवर्स के अंदर भुवनेश्वर कुमार का प्रदर्शन भी काफी शानदार रहा है। तो वापस हैदराबाद की टीम जो है ना, अपने गेंदबाजों के ऊपर रिलाय करेगी। ये टीम बहुत ही शानदार गेंदबाजी कर रही है और ये बहुत ही अच्छी बात है इस टीम के लिए। डेल स्टेनो और मुथैया मुरलीधरन ने काफी मेहनत करी है अपने गेंदबाजों के ऊपर। बल्लेबाजी में राहुल त्रिपाठी एक ऐसे प्लेयर हैं जिन्होंने सभी मुकाबलों के अंदर कंसिस्टेंटली रन मारे। वापस से राहुल त्रिपाठी इस मुकाबले के अंदर भी अपने फॉर्म को कंटिन्यू करना चाहेंगे। फिर एडम माकरम, निकोलस पूरन, अभिषेक शर्मा,
केन विलियमसन, ये चारों भी लगभग सभी मुकाबलों के अंदर काफी कंसिस्टेंट बल्लेबाजी कर रहे हैं, तो ये बहुत ही पॉजिटिव बात है हैदराबाद के लिए कि ये टीम किसी एक प्लेयर पर रिलाय बिल्कुल भी नहीं करती। सभी बल्लेबाज कॉन्ट्रीब्यूशन दे रहे हैं, सभी गेंदबाज भी कॉन्ट्रीब्यूशन दे रहे हैं, और ये हैदराबाद की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। अगर मैं बात करता हूं प्लेइंग 11 के बारे में, तो मेरे को लगता है टीम दो बदलाव करेगी। वॉशिंगटन तो उम्मीद करता हूं फिट हो जाएंगे, वो इस टीम में आने वाले हैं, और मुझे लगता है कि मार्को यानसन की जगह पे शॉन एबर्ट ये मुकाबला खेल सकते हैं। तो हैदराबाद के लिए ओपन कर सकते हैं अभिषेक शर्मा और केन विलियमसन, नंबर 3 पे राहुल त्रिपाठी, नंबर 4 पे एडन माकरम, नंबर 5 पे निकोलस पूरन, नंबर 6 पे शशांक सिंह, नंबर 7 पे वॉशिंगटन सुंदर, फिर शॉन एबर्ट, भुवनेश्वर कुमार, उमरान मलिक और टी नटराजन। तो जरूर से हैदराबाद के लिए काफी इंपॉर्टेंट मुकाबला है। आप मुझे कमेंट करके बताएं मुकाबला कौन जीतेगा, वो टीम होगी बैंगलोर, वो टीम होगी हैदराबाद, आप बताओ मुझे कमेंट करके, और इस मुकाबले की फैंटेसी टीम आने वाली कुछ स्क्रीन के ऊपर। वैसे तो दोनों टीमें काफी शानदार फॉर्म में हैं, लेकिन बैंगलोर के अंदर ना कुछ काफी बड़े खिलाड़ी हैं, लेकिन पता नहीं मुझे क्यों फीलिंग आ रही है कि इस मुकाबले में जीत मिलेगी सनराइजर्स हैदराबाद की टीम को। उम्मीद करता हूं वीडियो को अच्छी लगी होगी, अगर लगी तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब किया चैनल को, उस तरह वीडियो देने के लिए। मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, याद रखिएगा स्पोर्ट्स नहीं तो कुछ नहीं।